नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। ये मेरे पास एक मॉड्यूलर आया है जिसको आप पैनल बूस्टर भी बोल सकते हैं। आप पैनल बूस्टर क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि पैनल के की लाइफ बढ़ाने के लिए है इसलिए पैनल बूस्टर भी बोलते हैं इसको। वैसे ये डीसी टू डीसी सर्किट बोर्ड है। अब इसको डीसी टू डीसी क्यों कहा जाता है? डीसी टू डीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको डीसी वोल्टेज देकर दूसरी तरफ से डीसी ही वोल्टेज आउट करते हैं, इसलिए इसको डीसी बूस्टर कहते हैं, डीसी टू डीसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, ये इसमें जो है 12 वोल्ट से 12 वोल्ट 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इनपुट वोल्टेज हैं, जो कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा 3.3 वोल्ट, ये यानी आप पैनल पे जो वोल्टेज आते हैं, पैनल के 3 वोल्ट का पैनल है तब भी इसको लगा सकते हैं 3.3 वाले को, या 5 वोल्ट वाले पैनल है तो उसमें भी लगा सकते हैं, या 12 वोल्ट का पैनल है तो उसमें भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिया होगा ग्राउंड है, वी एच वोल्ट, ए बी डी डी वोल्ट और वी कॉम वोल्ट और वी एल वोल्ट यहाँ से आउट होते हैं। ये चार प्रकार के सिग्नल्स वोल्टेज यहाँ से आउट होते हैं। अब ये जो है इसमें स्टेप डाउन और बूस्ट वोल्ट यानी स्टेप अप वोल्ट बनते हैं। अब स्टेप अप क्यों कहते हैं और स्टेप अप कैसे बनते हैं इसमें, क्योंकि डीसी वोल्टेज जहाँ होते हैं वहाँ पर जो है बूस्टिंग नहीं हो सकती है। तो बूस्टिंग करने के लिए, क्योंकि स्टेप डाउन तो कर सकते हैं आप, एक जनर डायोड लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगा के आप जितना वोल्टेज चाहिए आप उतना वोल्टेज निकाल सकते हैं, 5 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट, मान लो 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ उतने वोल्ट का जनर डायोड लगा के वोल्टेज निकाल सकती है, या कोई ट्रांजिस्टर एक छोटा सा लगा के उसको आराम से बनाया जा सकता है। परंतु बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए ऐसा नहीं होता है। बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए आपको डीसी से डीसी वोल्टेज पर नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्विचिंग कराना पड़ेगी। स्विचिंग कराने के लिए क्या होता है, आपको स्विचिंग ऐसे तो होती नहीं, उसके लिए आपको ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट वगैरह जो लगा जाती है, मॉस्फेट जो है हैवी स्विचिंग के लिए काम करते हैं, जिससे आप जितनी ज़्यादा स्विचिंग ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज आपको मिल सकती है, है ना। ये जो है एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, क्या मॉस्फेट, और ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करके देते हैं। ये जो कॉइल जो रहते हैं जिसको बक कॉइल बोलते हैं, ये बक कॉइल अलग अलग प्रकार की होती है, मैंने कहा वोल्टेज घटाते भी और बढ़ाते भी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉइल का भी एक काम होता है, ये कंडेंसर का काम करती है कॉइल, ये अपने में वोल्टेज को स्टोर करके रखती है, उसका एक सरा माइनस होता है एक सरा प्लस होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है कॉइल में, कॉइल में माइनस प्लस नहीं होता है, एक साइड से सप्लाई देते हैं दूसरी साइड से मिल जाती है। परंतु क्या होता है आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी सिग्नल्स हैं होते हैं वो एसी होते हैं, डीसी नहीं होते हैं। और जब सिग्नल दिए जाते हैं तो सिग्नल जिस साइड से जाते हैं उसके अपोजिट साइड से वोल्टेज आते हैं, डीसी वोल्टेज आते हैं, और डीसी वोल्टेज जब उस पर आएंगे और यहाँ से अपोजिट साइड से ये 12 वोल्ट या जितने भी वोल्टेज सिग्नल देंगे यहाँ से, तो वो बूस्टिंग करने लगती है, और बूस्ट करके अपन सप्लाई ले लेते हैं, जितने ज़्यादा बूस्ट होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई निकलती। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग इस पर वोल्टेज जो दिए हुए हैं उसके अलग अलग हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज निकाले जाते हैं। बी जी एल के वोल्टेज जो है, बी जी एल वोल्टेज निकाले जाएंगे, वी कॉम वोल्टेज निकाले जाएंगे, ए वी डी डी वोल्टेज निकाले जाएंगे, या वी एच वोल्टेज निकाले जाते हैं, ये अलग अलग यानी स्टेप डाउन वोल्टेज भी स्टेप अप वोल्टेज भी दोनों यहाँ से निकलते हैं। तो बूस्ट का मतलब समझ गए होंगे आप, क्योंकि पुराने समय में जब सीआरटी टीवी चलती थी उस समय पर भी बूस्ट वोल्टेज बनाए जाते थे, बोलते थे ईएसटी से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं, तो उसको जो है 150-110 वोल्टेज देते थे, और उसके बाद ईएसटी के अलग अलग पिन से अलग अलग वोल्टेज निकलते थे। आपने देखा होगा कि कहीं पर 180 वोल्टेज निकलते थे, या ईएसटी से 27,000 वोल्टेज करीबन निकलते थे, या जो भी वोल्टेज आगे सप्लाई निकलते थे तो वो इसी प्रकार से निकलते थे।
जिस प्रकार से इसमें उसमें भी स्विचिंग कराई जाती थी, 15,625 साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ उसको स्विचिंग कराई जाती थी, परंतु यहाँ पर इससे अधिक भी मॉस्फेट आ गए हैं ऐसे कि इससे और अधिक स्विचिंग की जा सकती है, और अधिक स्विचिंग करने के बाद क्या होता है वोल्टेज भी अधिक आउट करती है, ज़्यादा स्विचिंग होगी तो ज़्यादा सप्लाई आउट करेगा, इस प्रकार से ये इसको किया जाता है। दूसरी चीज़ इसके जो आप ये लेग जो है यानी जो पिन है जो यहाँ पर दिए हैं VGL और ये, यदि आपका स्कॉलर बोर्ड में कहीं कोई शॉर्ट हो रहा है कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि IC जो लगी हुई वहाँ से रिमूव करना है, और ट्रांजिस्टर वगैरह भी अगर लगे हुए MOSFET लगे तो वो रिमूव कर दें, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले इसके वोल्टेज नापें, उसके बाद जो जो पिन आप लगाते हैं यानी जैसे ये अपने VH है या VL है, ये जो लगाते जाते हैं तो उसके वोल्टेज नापते जाए, तो अगर लगाने से कहीं शॉर्ट होते हैं तो उसको पहले निकालें, वो शॉर्टिंग सर्किट देखें कहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, जो वोल्टेज आप इसमें मिल रहे हैं आउट हो रहे हैं वही उस पर होना चाहिए, यदि वो वोल्टेज होंगे तो इसका लगाना या इसको क्लियर लगाया जा सकता है। इसमें ये जो प्रीसेट लगे हुए हैं चार, ये जो है यहाँ पर जो चार प्रकार के जो वोल्टेज आउट हो रहे हैं उनको, यानी यदि कहीं वोल्टेज घट रहा है या बढ़ रहा है तो इससे एडजस्ट करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना वोल्टेज चाहिए आपको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड के बारे में आपको मैंने जो जानकारी दी आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको ये समझ में आ गया तो इसके आगे का जो इसको लगाने का तरीका है, मेरे पास जो पैनल आएगा कोई तो उसमें मैं इसको लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगा, किस प्रकार से लगाना है इसको लगा के भी बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपको बताना चाहता था कि क्या है इसका काम, वो आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।